सो हियर ऑकियंस व्हाट्सअप, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कराने के लिए मैं अपनी स्कॉर्पियो में आया हूँ। और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको पता है स्कॉर्पियो जैसी जो भी गाड़ी है, जो भी SUVs हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है झोल का, है ना। मतलब वो इधर से उधर होती हैं कार, जब भी आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हो या कोई भी बम्पी रोड होती है तो उसमें आपका शॉकर पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। और इस लोड को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ कुशनिंग कराना। मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा था कि ऐसी कौन सी कुशन है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है इन दी मार्केट जो इसमें सपोर्ट कर सकता है। बिकॉज पहले मैं चलाता था होंडा सिटी, होंडा सिटी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन स्कॉर्पियो में बेसिकली क्योंकि ये लेड्रॉन फ्रेम डिज़ाइन है, ऊँची गाड़ी है, तो जब भी ये कहीं गड्ढों में जाती है या स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करती है तो थोड़ा सा झोल खाती है। झोल खाना आप समझ रहे हो, लेफ्ट राइट होती है, और जिसकी वजह से लोग बहुत सारी SUVs लेना पसंद नहीं करते। बट दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, और उस प्रोडक्ट का नाम है रॉजर ऐप। बहुत सारे लोगों ने ये प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत वीडियोज़ मैंने सर्च करी, ऐसी कोई वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर आज आप देख रहे हो तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये चाबी, ये स्कॉर्पियो मेरी 2018 मॉडल, और आपको पता है मैं यही गाड़ी ड्राइव करता हूँ। मेरे सारे ब्लॉग्स में आपने गाड़ी देखी होगी, और मेरे घर में फैमिली भी है, मेरी मॉम भी है जो कि पीछे बैठती हैं। डेफिनेटली जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बैक सीट पे बैठती हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि रॉकी यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे बैठने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये हिलती जा रहा है गाड़ी। तो उस दिन उनको आइडिया आया कि चलो यार ये वाला काम कराते हैं और इस गाड़ी के अंदर रॉजर ऐप्स डलवाते हैं। आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको प्राइस सबसे लास्ट में बताया जाएगा क्या है, कहाँ पे डलवा सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। और इस पर वो वाला काम कराते हैं जिससे कि गाड़ी हो जाएगी स्टेबल और चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट होगी वो सब बातें आपको वीडियो के आने वाले पार्ट्स में पता लग जाएंगी। सो गाइज, दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मैं बात कर रहा था। ये है रॉजर्स का रॉजर ऐप कार सस्पेंशन हाइट मॉड्यूलेटर। अभी करता क्या क्या है ये देखो आप, ये है स्पीड ब्रेकर, रिस्टोर्स ग्राउंड क्लियरेंस। इससे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हैं तो आपकी गाड़ी के नीचे लगने के चांसेस बहुत कम है। दो स्कॉर्पियो की वैसे भी ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी गुड, बट ये स्पेसिफिकली सेडान्स में लोग इंस्टॉल करवाते हैं सो दैट उनकी गाड़ी नीचे ना लगे बार बार। जैसे कि होंडा सिटी का ग्राउंड क्लियरेंस इज़ लाइक वेरी लो, तो जितने भी लोग यूज़ करते हैं उनको बहुत एडवांटेज है। दूसरा है बम्पी रोड्स, कंपनसेट रोड जर्क्स। तो अगर आपकी गाड़ी बम्पी रोड्स जितनी भी होंगी, जहाँ भी आपको गड्ढे मिलेंगे सड़क पे, वहाँ पे आपको इसमें गड्ढे फील नहीं होंगे या वो रिड्यूस हो जाएंगे टू मैक्सिमम एक्सटेंट, वो 60-70% रिड्यूस हो जाते हैं जैसा मैंने सुना है। क्योंकि ये बहुत सारे कारणों में से एक कारण है जिसकी वजह से मैं ये लगवाने की या इंस्टॉल कराने की सोच रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है इसमें रोलिंग पिचिंग, मतलब कि रिड्यूस रोलिंग पिचिंग, जो आपकी गाड़ी का झोल होता है ना, रिड्यूस करता है और आपको मिलती है स्मूथ राइड, स्मूथ ड्राइव। और वारंटी इस पे लिखा हुआ 1,00,000 किलोमीटर या फिर 2 साल की। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि है क्या। तो इसमें ये 4 सस्पेंशंस हैं, ये खुल जाएगा और ये हमारे जो शॉकर्स हैं उसी में इंस्टॉल हो जाता है। और वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, इट विल टेक सम टाइम क्योंकि मैं तो इंस्टॉल खैर नहीं कर सकता। और इनसे पूछेंगे कि क्या कोई घर पे इंस्टॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ऐसे आपको 4 पीस मिलेंगे, 2 आपके आगे वाले शॉकर्स के लिए, 2 आपके बैक साइड के शॉकर्स के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आगे और पीछे वाले दोनों साइज डिफरेंट होने चाहिए, बट अभी भैया कंफर्म कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो के बैक साइड के और फ्रंट के जो स्प्रिंग्स है ना, वो दोनों सेम साइज़ के होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इनका साइज़ जो है बिल्कुल सेम है। आई होप ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कराने के बाद आई विल ऑल्सो गेट अ स्मूदर राइड, और मॉम जो मेरी पीछे बैठती है उनको ये फील होगा कि नाउ कार इज़ लाइक वेरी स्टेबल। प्रोसेस इसका देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो भैया बस आने वाले हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे जैक पे या नहीं लगाएंगे जैक पे, क्योंकि इस गाड़ी में इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में खड़े खड़े इंस्टॉल हो सकता है। बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगा, 15-20 मिनट का प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस इसमें नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये इसका टायर आपको खोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे। और ये टायर पूरा हम लोगों ने खोल दिया, ये टायर यहाँ पड़ा है और ये पूरा सिचुएशन है।
और ये लगेगा यहाँ पे शॉकर्स में ना, तो यहाँ पे प्लेस होगा इन शॉकर्स में। अभी इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, वैसे सिंपल है लेकिन आप घर पे नहीं लगा सकते क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट किसी के पास घर पे नहीं होता, बट हाँ दी प्रोसेस इज लाइक वेरी सिंपल। तो यार ये इतना ही सिंपल है, बस इसके स्प्रिंग्स के बीच में इसके ग्रूव्स हैं वो फंसाने, और इसके लिए कुछ ऑयलिंग वॉलिंग करना पड़ता है तभी होता है। अब इसको जैम पैक करने के लिए हम लोग ये रिबन्स का यूज़ करेंगे ताकि ये खुद से ओपन ना हो जाए। तो ये है भैया गाड़ी का नीचे से हाल, मतलब वैसे तो मैं देखने को नहीं मिलता लेकिन ठीक ही लग रहा है। लेकिन मैंने बोला है कि इनके चिमटों में कुछ ऑयलिंग वॉलिंग कर देना, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, शायद वो आवाज़ आना थोड़ा कम हो जाए क्योंकि आमतौर पर इसको इतना खोलने का मौका नहीं मिलता। बहुत बहुत बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, बट हाँ ये काम होना उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको गाड़ी में स्मूथनेस चाहिए और आपकी ड्राइव को आप बहुत इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च करे, मुझे ऐसे वीडियोस नहीं मिले जहाँ पे इस तरह की कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हो या किसी ने इंस्टॉलेशन करते हुए दिखाया हो। सो दिस इज़ दी वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग आ सकते हो इस लोकेशन में, और तो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, बट हाँ आपको एड्रेस मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और इनका जो गूगल लोकेशन है वो भी मैं ऐड करूंगा। आप आ सकते हो यहाँ पे, आपका सिडान है, हैचबैग है या फिर एसयूवी है किसी भी लेवल की, आप ये काम आके यहाँ करा सकते हो। इट इज़ इन वेरी रीजनेबल प्राइस। अभी मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ, पहले ये काम ज़रा कम्प्लीट हो जाए। तो यार फाइनली हम लोगों की गाड़ी में रॉजर आयल हो गया फिक्स, चारों टायर में हम लोगों ने लगा दिया। अभी एक्चुअली मनर भैया से बात होनी थी लेकिन मनर भैया शायद यहाँ पे है नहीं, वो किसी काम से गए हुए हैं, लेकिन रोहित इज़ विद मी। तो रोहित थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया और सब भाई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो रोहित अभी अभी हम कितने गाड़ियों में लगा चुके होंगे रॉजर आयल अपने यहाँ पे? नहीं यहाँ पे कम से कम 100-200 गाड़ी में लग गया होगा सर। और किसी की कोई कंप्लेंट आई? किसी में आज तक कंप्लेंट नहीं है। और अच्छा फीडबैक किसी ने दिया होगी, गाड़ी पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है? पहले से तो ज़्यादा बेहतर होता है, और सस्पेंशन पे भी लोड नहीं पड़ता और झोल भी नहीं मारता है गाड़ी। अच्छा अब सबको ना जरा इसका प्राइस भी बता दो, और ये बताओ कि टोटल इसको लगाने में इंक्लूडिंग रॉजर अब कितना खर्चा है? 4-5 हज़ार का खर्चा है सर टोटल जो आता है। टोटल जो आता है तो इसका रॉजर का क्या प्राइस है जो मेरी गाड़ी में लगा है? इसका प्राइस होगा सर 4500 के आसपास होगा। ओके, और इस पर लगाने का भी कुछ कॉस्ट है? 500 रुपये एक्स्ट्रा है। 500 रुपये लगाने के, ठीक है। तो गाइस ये जो टोटल कॉस्टिंग है ये मोटा मोटा आपको 4400 रुपये के मिलते हैं रॉजर एब्स, और इसको लगवाने का कॉस्ट है 500 रुपीज़। ये अगर आप अमेज़ॉन पे देखोगे ना वहाँ भी ये लिखा ही होगा कि अगर आप रॉजर एब लगवाओगे किसी से जाके तो 500 रुपीज़ का इसमें एक्सपेंडिचर है। तो आपको 5000 रुपये का टोटल एक्सपेंडिचर है। और जो एड्रेस है मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, ये इस शॉप का नाम है कार्ट्स एंड व्हील्स प्रो कार सर्विसेज, द्वारका सेक्टर 6 में है। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं नीचे भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको आना है, अपनी गाड़ी को स्टेबल बनाना है, आपकी सेडान हो, हैचबैक हो, एसयूवी हो, तो आप यहाँ पे आके इंस्टॉल करा सकते हैं। बाकी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन कम। 5000 रुपये में आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, और मतलब आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। अभी लगवाने में भी चला के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। आपको ड्यूरिंग दी ड्राइव मैं कंफर्म करूँगा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा है, और लॉन्ग टर्म जो इसका रिव्यू होगा वो भी मैं आपको दूंगा। तो अब इनको पेमेंट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार मुझे 5 किलोमीटर हो गए हैं चलाते हुए गाड़ी को, और आई कैन सी अ रियली गुड इम्प्रूवमेंट। मतलब गाड़ी स्टेबल है और गाड़ी थोड़ा सा ऊँचा फील हो रही है बैठने में ना, पहले से थोड़ा ज़्यादा हाइट इसका लग रहा है, चाहे वो 2 इंच बड़ा हो या जैसा ही बड़ा हो, बट गाड़ी का हाइट भी बड़ा है, गाड़ी स्टेबल भी लग रही है, झोल अभी कम है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो मैं आपको थोड़े दिनों के बाद दूंगा, अभी इनिशियल फेज में इट इज़ लुकिंग गुड, लग रहा है कि वर्थ है। 4700 रुपीज़ मेरा टोटल लगा, 4200 रुपीज़ के रॉजर एब्स हैं, और 500 रुपये जो है वो इसकी लगाने की कॉस्ट है। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सब फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे
आगे आने वाली है, बहुत अच्छी वीडियोस सब आपके काम की भी होंगी और मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ और आजकल कुछ नया प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पीस आउट।